वैरागी जे के खाने पीने के बाद हमने रुक किया है ऊपर का, एंड अकॉर्डिंग टू लोकल्स बोलते हैं कि 4 घंटे और लगेंगे। सांस ले लो, थोड़ा रुक जाओ। हाँ, तो अभी मैं फिर से अकेला हो गया हूँ क्योंकि मिस्टर वैरागी जी उनका जो प्लान है वो थोड़ा सा अलग है। उनका ये प्लान है कि वो ऊपर स्टे करेंगे, लेकिन मेरा प्लान है कि मुझे आज नीचे भी उतरना है, तो इसीलिए मुझे ना चाहते हुए भी मिस्टर वैरागी जी से थोड़ा सा आगे निकलना होगा, और एक्चुअली जो मैं कि निकल भी गया हूँ। तो बस फटाफट चलते हैं, थोड़ा स्पीड अप करते हैं ट्रैक को। जो दूसरी नामक एक स्टॉप पॉइंट था जहाँ पे वैरागी जी ने अपना खाना खाया था, भोजन किया था, वहां से चले हुए हो गया है लगभग, हाँ तो एग्जैक्ट मैं 19 पे निकला था वहां से, 12:19 पे अभी हो रहे 13:16, तो लगभग 1 घंटा हो गया है। हवा चल रही है मस्त, और ये इतने सारे बकरे बकरियां चल रहे हैं घास। यार इस तरह का व्यू ना मैं पहली बार ही एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। जय भोले, हर हर महादेव जी। सही है यार, काश एक स्पीकर होता मैं भी गाने सुनते सुनते जाता, मजा आता, पर ठीक है ये भी सही है। हाँ अब तो ढलान चढ़ान है, तो सोच रहा हूँ इस पर थोड़ा रनिंग करें। बड़ा मजा आ रहा है यार, सच में कितना मजा आ रहा है मैं बता भी नहीं सकता। हाँ, पूरे जंगल में कोई नहीं है, सिर्फ मैं और, लेकिन कोई सुन ना ले और कहीं कोई जंगली जानवर आके मुझे धप्पा कर दे कि भैया जी मैं भी हूँ। फिलहाल कौए हैं, कौए ही हैं ना ये, मतलब जो भी है पक्षी हैं ये आवाज़ कर रहे हैं। हाँ कौए, काँव तो क्रो ही करते हैं। हाँ हो गया 1 मिनट का रेस्ट यार, चलो उठता हूँ मैं और निकलता हूँ। हाय ओए मजा आ गया भाई, पैरों की तो धज्जियाँ उड़ जाएगी कल। मतलब अभी क्वाड बन रहे हैं जाते जाते, और जब वापस उतरूंगा वहां से फिर काब्स बन जाएंगे, मतलब एक नंबर लेग्स का वर्कआउट हो जाएगा। इतना तगड़ा वर्कआउट किसी ने सोची नहीं होगी। तो ये देखो मुझे क्या मिला है यहाँ पे, पानी। बट इस कौए को देख के मुझे काक भुसुंडी जी की याद आ गई। मैं भी आप लोगों में से काफ़ी लोगों को पता होगा और काफ़ी लोगों को नहीं भी पता होगा कि काक भुसुंडी जी कौन थे, कि कौन है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। फिर वह साथ चढ़ा हुआ है, इतना नहीं बोल सकता। नहीं देख रहे हो ट्रैक यहाँ से जा रहा है और वो ट्रैक जा रहा है उधर, ये पहाड़ों में घूम रहा है जहाँ पे धूप का नामो निशान तक नहीं है, और
कोहरा है वहाँ पे, तो मुझे अपना ब्रह्मास्त्र यानी कि अपनी जैकेट निकालनी पड़ेगी। बाकी यार जितना ऊपर जा रहा हूँ मैं उतना ही जहर व्यू आ रहा है यार, उतना ही जहर व्यू, मतलब ज़बरदस्त यार। बट ये भी है कि एट द सेम टाइम ये बहुत डेंजरस भी है, सो वन नीड टू बी केयरफुल अबाउट ट्रैकिंग। यहाँ ना है भैया धूप, यहाँ ना है धूप बिल्कुल भी। देखो वहाँ दिख रही है धूप लेकिन यहाँ नहीं है, और मुझे लग रहा है कि होने वाली है बारिश, बट देखता है। ये विश्राम घर बनाया गया यहाँ पे, लेकिन हम विश्राम नहीं करेंगे, हम चलते रहेंगे। गजब शिट, मुझे लग रहा है कि मैं खो गया हूँ, और ना कोई आता जाता दिख रहा है, ना यहाँ से ना यहाँ से। और अकॉर्डिंग टू कैंप वाले, उन्होंने बोला था कि ज़्यादा देर नहीं रह गया है, थोड़ा सा ही रह गया है, और मैं काफ़ी टाइम से चल रहा हूँ, मेरे को मिल ही नहीं रहा है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद मैं खो गया हूँ। समझ नहीं आ रहा कि जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, क्योंकि अगर मैंने गलत दिशा में मैं ज़्यादा देर तक चलता रहा तो फिर मेरे को जहाँ पहुँचना मैं वहाँ पहुँच नहीं पाऊँगा। और ये चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको कि ये जो रास्ता जा रहा है ना ट्रैक वाला, ये देखो ये कहीं नहीं जा रहा, मतलब समझ नहीं आ रहा है कहाँ जा रहा, आगे जाके ख़त्म हो रहा है ये आगे जाके ख़त्म हो रहा है। और अभी देखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बैटरी तो ठीक ठाक है, 70% है अभी, और नेटवर्क भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो देखते हैं गूगल देवता की सहायता लेके अगर हम टाइम पर पहुँच पाए तो ठीक है, वरना यार फिर वही है, इधर ही कहीं पहाड़ पहुड़ में छुपना पड़ेगा रात के लिए, फिर सुबह सुबह निकलना पड़ेगा। चलो जो भी होगा मैं आपको अपडेट करूंगा आगे। तो भाई अब चलने लगी हैं बर्फीली हवाएं, तो मैंने जैकेट पहन लिया रिस्क ना लेते हुए, धुंध कैसे बह रही है, और मुझे पता नहीं है कि मैं सही जगह जा भी रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, बट होप है यार कि शायद सही जगह जा ही रहा हूँ। तो निकलते हैं जल्दी जल्दी, क्लूलेस वॉकिंग करने के बाद एक उम्मीद की किरण मुझे ये नज़र आई है, धुंधला सा एक एरो मार्क जो कि दर्शाता है कि मंदिर इस तरफ है, और मैं उम्मीद करूँगा कि मंदिर इसी तरफ हो और मैं पहुँच जाऊँ अपनी मंजिल पे जल्दी से। और गाइज मैं बता भी नहीं सकता कि मैं कितना ज़्यादा क्लूलेस हो गया था और कितना ज़्यादा होपलेस हो गया था कि भाई मेरे को जाना कहाँ है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ट्रैक का रास्ता और ख़राब होता चला जाता है, और ऐसा लगता है जैसे कि आउट ऑफ द ट्रैक है और ये जो ट्रैक का रास्ता है ये रास्ता ही नहीं है। बट थैंक्स टू दिस, और जो कि मंदिर का रास्ते के लिए साइन बना के रखा हुआ है साइन बोर्ड, ये भाई बहुत हेल्प करता है भाई, अब मेरे को थोड़ी सी होप आई है कि हाँ मैं सही रास्ते पे हूँ और मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ, वरना तो लग गए थे आज भाई बहुत बुरे। 3:30 के आसपास का टाइम हो रहा है और अभी पहुँचा नहीं हो, और मेरे ख्याल से पहुँच जाना चाहिए यार मुझे 15 या 20 मिनट के अंदर अंदर, क्योंकि यार मैंने काफ़ी टाइम बीच में ऐसे खड़े होके मेरा 5 मिनट दूसरे को पहाड़ों को देख रहा हूँ, चिड़ियों को देख रहा हूँ, बादलों को देख रहा हूँ, धुंध को देख रहा हूँ कि सलाम मैं सही रास्ते पे हूँ भी या नहीं, पर अब थोड़ी सी उम्मीद आई है कि हाँ मैं सही रास्ते पे हूँ, तो चलते हैं सही रास्ते पे। बस ये लास्ट चढ़ाई है, उसके बाद शिवजी महाराज की, भोले शंकर की हमारी मूर्ति आ जाएगी, उसके बाद सिर्फ रह जाएंगे सिडकुल महाराज जी के दर्शन। ये लिटरली खड़ी चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई के बाद फाइनली मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, शुक्र है भगवान का, महादेव जी। ये लास्ट की खड़ी चढ़ाई थी ना, बस इसने धुएं निकाल दिए, धुएं, बस अब महाराज जी के
दर्शन करने हैं मेरे हनुमान जी और शिव शंकर जी के। फाइनली इतनी मेहनत के बाद गुड बाय नोट दे दो, बाय। तो एक डेस्टिनेशन हो गई कंप्लीट, अभी जा रहा हूँ मैं दूसरी डेस्टिनेशन में, यानी कि सिडकुल महाराज जी के मंदिर में। और आप लिटरली देख सकते हो यार, बिल्कुल ही ऐसे सीधी खड़ी चढ़ाई नहीं होती जो, वैसी सी है। और ये भी कुछ ऐसे सी चढ़ाई थी, लेकिन भाई पूरी थकान मिट गई महाराज जी के जब दर्शन हुए शिव शंकर जी के। मजा आ गया यार। वो देख रहे हो तुम, इस वक्त जन्नत से कम नहीं लग रही मुझे। ये जन्नत है, ये जन्नत लिटरली, क्योंकि वहां जाके मुझे मिलेगा आराम और सिडकुल महाराज जी के दर्शन भी हो सकते हैं। लेकिन अभी शाम होगी, शायद बंद हो दरवाजा। और मैंने सुना भी था कि भाई अभी जो रेनोवेशन का काम चल रहा है वहां पे, तो मे भी शायद बंद है और कल सुबह ही खुलेगा। तो ठीक है, यहीं पे स्टे कर लेते हैं और सुबह सुबह दर्शन करके पंडित जी से बातचीत करके अपना सुबह सुबह निकल लेंगे यहाँ से। क्यों, यहाँ पे एक छोटी सी मार्केट है जहाँ से मैंने ये रुद्राक्ष लिए हैं, रुद्राक्ष की माला ली है और कंबल वंबल लेके मैंने रख लिए हैं ताकि कम ना पड़ जाए। जैसे कम तो पड़ेंगे नहीं, बहुत सारे कंबल थे उनके पास। वैसे तो मैंने फैसला किया था कि रात को नहीं जाऊंगा, फिर भी थोड़ा सा ऊपर जाकर देखता हूँ कि क्या जैसा महसूस होता है। सिर्फ एक टॉर्च और मैं, भाई मैं सच बताऊँ कि कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं। और इस हालत में अगर मैं ऊपर जाता रहूँ तो हो सकता है कि मुझे कोई जंगली जानवर वगैरह मिल जाए। अच्छा फैसला है मेरा कि भाई रात में यहीं पे निकालूं, वो ज़्यादा बेटर है। रात का नज़ारा कुछ इस तरह है। यहाँ पे आपको हल्की हल्की सी लाइट्स दिखाई दे रही होंगी, यह है नीचे बसे हुए शहर। मैक्सिमम तो अंधेरा ही दिख रहा है, यहाँ पे कुछ विजिबल नहीं है। अगली मॉर्निंग में स्वागत है दोस्तों। मंदिर के दर्शन कर लिए हैं और अभी जाएंगे हम वापस नीचे, चढ़ाई उतराई करेंगे, मतलब आए थे अब वापस जाएंगे और बाइक उठा के फिर वापस मैं वहाँ चले जाऊँगा। भोलेनाथ जी का नाम लेके अपना सफर दोबारा शुरू करते हुए भी आप देख सकते हो 1146 स्टेप्स मेरे कंप्लीट हुए और ट्रैक पूरा होने के बाद दिखाता हूँ आपको कितने हुए। कल मेरे हुए थे 26,000, अब देखते हैं कितने हुए।
तो मैं अभी यहाँ से आ रहा हूँ, ठीक है, और इस रास्ते जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो आगे अंधेरा तो है ही है, पर आगे जाके वो रोशनी हो जाएगी, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ है ये, आप देख सकते हो ये लकड़ी के गट्ठे हैं, ठीक है। यहाँ पे रास्ता नहीं था, ये भी लकड़ी है, ये भी लकड़ी है, ठीक है, ये भी लकड़ी है और ये भी लकड़ी है। तो बेसिकली यहाँ पे रास्ता नहीं था, इन्होंने लकड़ी के गट्ठे लगा के उसके ऊपर मिट्टी डाली हुई है, तब जाके ये जाने का रास्ता हुआ है। तो ठंडे घने पहाड़ी जंगलों से गुजर के मैं आ चुका हूँ, और अब है थोड़ी धूप सेकने का। मैं बस फॉर योर जर्नी, और पहुंच जाओगे आप टाइम से। हाँ, जहां थकान हो रुक जाना, ठीक है। तो भाई कई लोगों को डाउट होता है कि ये ट्रैक कितने किलोमीटर का है, तो ये रहा इसका प्रूफ। चूरधार यहाँ से 10 किलोमीटर है, नौराधार जो है 8 किलोमीटर। मैं नौराधार की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि चूरधार मैं जाके आ चुका हूँ। तो 10+8 टोटल 18 किलोमीटर, पूरा 18 किलोमीटर का ट्रैक है। और इस 18 किलोमीटर को पार करने के लिए मतलब लगभग आपको 7.5 घंटे लग जाते हैं, 8 घंटे भी लग सकते हैं अगर आप छोटे बच्चों के साथ लेके जा रहे हो, या फिर कोई आप मतलब लड़की आपके साथ जा रही है, ठीक है, आपकी बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, आपकी लवर हो सकती है, आपकी पत्नी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, क्योंकि लड़कियां थोड़ा ज़्यादा जल्दी थक जाती हैं, तो इसलिए उनको थोड़ा सा टाइम और ज़्यादा लग जाता है। तो अगर आप आ रहे हो अपनी फैमिली के साथ, तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप जल्दी से जल्दी यानी कि सुबह यानी कि 6 या 7 बजे अपना ट्रैक स्टार्ट कर दो, ताकि आप टाइम से 3 या 4 बजे तक वहां पहुंच जाओ। ये थोड़ा अनकन्वेंशनल है, ट्रैक तो उधर है, ठीक है, लेकिन मैं इधर से जा रहा हूं। क्या खूबसूरत नज़ारा है यार यहाँ का, बहुत सही है यहाँ। तो भाई वो है मेरी मंजिल, ठीक है, और एक रास्ता तो वो है, उससे बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं ऐसे बीच में से सीधा जाऊँगा और मज़ा आएगा बड़ा यार। तो भाई पूरा ट्रैक चढ़ने के बाद और उतरने के बाद पैरों का कुछ ऐसा हाल है, मज़ा बड़ा आया लेकिन। तो भाई देखो अभी हो रहे हैं 19,000 स्टेप्स, और अपनी बाइक के पास आ चुके हैं, बस अब निकलते हैं घर की तरफ। रेडी हो चुका हूँ क्योंकि अभी लगेगा लगभग 6 घंटा भी लगेगा मुझे घर पहुँचने में। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, अगला व्लॉग, स्टे ट्यून्ड।